मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, क्या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का योग है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन फॉरेन? जी हाँ मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रायः कुंडली के विश्लेषण का मौका प्रतिदिन मिलता है अनेकों मित्रों के, देश सही विदेश से जुड़े हुए लोग हैं और आप भी कहीं कहीं ज्योतिष के विद्यार्थी और विद्वान हैं, आपका भी सामना होता है ऐसे सवालों से। प्रायः संपन्न घरानों के लोग या प्रोग्रेसिव लोग, प्रगतिशील लोग इस संपर्क में आ रहे हैं ऑनलाइन, इस नाते प्रायः उनका प्रश्न होता है कि गुरु जी क्या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का योग है मेरी कुंडली? तो मित्रों, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है सबके लिए, हर ज्योतिषी के पास इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और उसका सटीक समाधान आपके पास होना चाहिए। संयोग से केपी सिस्टम ज्योतिष में हर प्रश्नों के सही समाधान है और सटीक नियम है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा कोई वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, एक संग्रह आपके पास वीडियो का हो और सबके तार को जोड़कर एक दूसरे से आप अपने अध्ययन और अभ्यास को गति प्रदान करें। बहुत से मित्र जो वीडियो में दे चुका हूं उसके बारे में भी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो मित्रों सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आपसे जुड़े, और जितना वीडियो मैं 108-10 की संख्या में दे चुका हूं, अगर बराबर आप देखेंगे तो निश्चित उसका लाभ आपको मिलेगा। और मित्रों को शेयर जरूर करें, जो दर्शक मित्र ज्योतिष को समझने और पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि धीरे धीरे ध्यान दीजिए, सब आपके संज्ञान में आता जाएगा। तो मित्रों आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और रोज बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। आप कहोगे कि रोज महत्वपूर्ण, हर टॉपिक महत्वपूर्ण है, और वह सवाल जो मुझे प्रतिदिन सामना करना पड़ता है उससे संबंधित टॉपिक में देता हूं। तो मित्रों जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो दिया है, विदेश गमन का योग, विदेश स्थान द्वादश स्थान से देखा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, कई बार चर्चा भी आया वीडियो में। तो कुंडली का 12वां स्थान विदेश का है और 4वां स्थान शिक्षा का। यह एक नेचुरल कुंडली जानिए, मेष लग्न की कुंडली है, इसको कुदरती कुंडली कह सकते हैं, नैसर्गिक कुंडली कह सकते हैं, नेचुरल कुंडली। 4वें स्थान से जातक की शिक्षा देखी जाती है। पहला चीज मित्रों, विदेश की शिक्षा हो या विदेश गमन हो, इसको जन्म कुंडली से ही देखना उचित रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में स्थायी योग होता है, संभावनाएं होती हैं। जन्म कुंडली में जो योग नहीं होता वो चीजें प्रश्न कुंडली द्वारा देखने पर भी पॉजिटिव अगर आती हैं, अगर जन्म कुंडली में वह योग नहीं है तो फल नहीं मिलता। इस नाते अस्थाई फल तो जन्म कुंडली से ही मिलता है, खासकर विदेश गमन का योग, शिक्षा का योग, ये सारी चीजें अगर आप जन्म कुंडली से देखें तो बेहतर है, और अपरिहार्यता में प्रश्न कुंडली से भी देखा जा सकता है। तो आज का प्रकरण हम जन्म कुंडली पर ही आधारित दे रहे हैं। तो मित्रों ये नियम है कि अगर द्वादश स्थान का उप नक्षत्र स्वामी सरलाड कस्पल चार्ट से आप देखेंगे, ये व्यय स्थान है, व्यय स्थान का सब लाड यहां का, अगर 3, 9 और 12, फिर 3, 9 और 12 इन भावों का कार्य हो, 3 का 9 का और 12 का, ये पहले वीडियो में दिया, 3, 9, 12 का कार्य हो तो विदेश गमन का योग उस कुंडली में होता है, और 3, 9, 12 कार्य ग्रहों की दशा अंतर दशा में
व्यक्ति विदेश गमन करता है, विदेश जाता है। ये पहले मैंने कुंडली दिया है। और शिक्षा का योग तभी बन सकता है जब विदेश गमन का योग हो कुंडली में। केवल ये देखना कि शिक्षा का योग है कि नहीं, तो शिक्षा का योग होते हुए भी अगर विदेश गमन का योग नहीं है तो आप शिक्षा नहीं पाओगे। इस नाते पहले ये देखो कि कुंडली में विदेश गमन का योग है कि नहीं। तो द्वादश भाव का उपनिषद स्वामी अगर 3, 9, 12 में से किसी एक भी भाव का कार्येश है तो विदेश गमन का योग है। दूसरी चीज मित्रों, वही द्वादश स्थान का उपनिषद स्वामी इन भावों का कार्येश तो है 3, 9, 12 का या किसी एक का, लेकिन अगर चतुर्थ भाव का भी कार्येश है तब विदेश में शिक्षा पाने का योग होता है। अर्थात चतुर्थ भाव शिक्षा का है। अगर 4 का योग नहीं है, 4 का कार्येश नहीं है, तो शिक्षा का योग विदेश जाएगा आएगा लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त। लेकिन 3, 9, 12 के साथ अगर 4 का भी कार्येश है, कार्येश आप समझ गए हो, ग्रह जिस भाव में बैठा होता है और जिस भाव में उसकी राशियां होती है, या नंबर 2 के इन भावों का नंबर 2 का कार्येश होता है, ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा होता है, वह नक्षत्रेश जिस भाव में बैठा होता है उस नक्षत्रेश की राशियां जहां होती है वो नंबर 1 का सबल कार्येश उन स्थानों का होता है। बार बार पुनरावृत्ति नाते कर रहा हूं कि ये चीजें याद हो जाए। तो मित्रों, विदेश गमन का भी योग हो और द्वादश स्थान का उपनिषद स्वामी उन भावों के साथ साथ चतुर्थ का भी कार्येश, मतलब चतुर्थ का हो। अब यह स्थिति बड़ी विषम है थोड़ी। आप सभी जानते हो कि तृतीय स्थान चतुर्थ का व्यय है और 12वां स्थान भी चतुर्थ का हानि करता है, चतुर्थ से अष्टम कहलाता है। इस नाते शिक्षा के लिए विरोधी और बाधक स्थान है। अब ये घटना जब घटित होगी तो उस महादशानाथ को हमको बड़ी बारीकी से देखना होगा और उसका अभ्यास बहुत आवश्यक होगा। ये जान लीजिए, घटनाएं हमेशा कुंडली में भले लिखी हुई हैं, कस्प चार्ट में भले सब लॉर्ड उन चीजों को इंगित कर रहा है, दर्शा रहा है, लेकिन उचित कालखंड अगर नहीं आया तो घटना नहीं घटित होगी। ये नाते योग धरा रह जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में क्या क्या नहीं लिखा है, कस्प चार्ट में है, उस भाव के सब लॉर्ड में है, लेकिन संबंधित दशा काल नहीं आ रहा है। ऐसी दशा नहीं आ रही है कि जो उन भावों को सिग्निफाई करे, जिस जो हमारे लिए वांछित है। तो बहुत से लोग कहते हैं राजयोग है मिल नहीं रहा। अरे हम कहते हैं राजयोग है लेकिन उसकी दशा ही नहीं आई। राजयोग मान लीजिए शनिश्चर की दशा में अच्छी दशा है और दशा हमारी चल रही सूर्य की, तो सूर्य की बीतेगी, चंद्रमा की बीतेगी, मंगल की बीतेगी, राहु की बीतेगी, बृहस्पति की बीतेगी, शनिश्चर की आएगी नहीं आएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। कभी कभी जी पहले ही वो दशा बीत गई होती है, शनिश्चर का कालखंड है और शनिश्चर का बीत गया, चल रहा शुक्र का कालखंड, तो क्या करोगे? शनिश्चर चला गया जन्म के पहले ही या थोड़ा दिन रहा, अब हम शुक्र में चल रहे हैं तो शनिश्चर कहां से वापस लौट आएगा। इस तरह से उचित कालखंड के अभाव में घटनाएं नहीं घटित होती है। तो अलग प्रकरण है मित्रों। अब हम आते हैं कि महादशानाथ को चुनने में भी बारीकी होनी। जो महादशा स्वामी 3 और व्यय स्थान, तृतीय और द्वादश स्थान में बैठा हो अथवा तृतीय और द्वादश का कार्येश हो, भावेश हो, तृतीय और द्वादश उसकी राशियां हो, तृतीय और द्वादश भावों का अधिपति हो, स्वामी हो, या तृतीय और द्वादश में बैठा हो लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी 4 और 9 में बैठा हो, नक्षत्र जिस नक्षत्र में वो महादशानाथ बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी वो दशानाथ 3 या 9 में बैठा हो अथवा 3 और 9 में उसकी राशियां, जैसे मान लीजिए 3 में मिथुन राशि है और 9 में धनु राशि है, अथवा वो दशानाथ मिथुन या धन में बैठा हो अथवा 3 या 9 में मिथुन या धन उसकी राशि हो, जैसे इस कुंडली में बुध और बृहस्पति है, और जिस नक्षत्र में हो वो 4 या 3 या 9 नहीं, वो दशानाथ सॉरी तृतीय और द्वादश में बैठा हो अथवा तृतीय और द्वादश का भावेश हो, स्वामी हो, अधिपति, और वह जिस नक्षत्र में हो वह नक्षत्रपति
चौथे में या नौवें में बैठा हो, अथवा चौथे और नौवें में उसकी राशियां हो, तो चौथे और नौवें का हो सबल का आदेश हो जाएगा। वह दशानाथ जब उसका नक्षत्रेश जो है चौथे या नौवें में बैठा होगा या चौथा और नौवां उसकी राशियां होंगी नौ में, तो चौथे और नौवां का सबल कार्येश हो जाएगा और दोयम नंबर का हो जाएगा तृतीय और बारह, अर्थात तृतीय और बारह में बैठ करके वो चार और नौ का सबल कार्येश हो करके चार और नौ का फल देगा, अर्थात शिक्षा का ऊंची शिक्षा का फल देगा उसी दशा काल में। जातक सफलता पूर्वक विदेश में शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आएगा। आप समझ गए होंगे सबल अव्वल और दोयम का भी अर्थ यही हुआ कि ग्रह जहां बैठा होता है यहां जहां उसकी राशियां होती हैं उसके माध्यम से वह उन्हीं भावों का फल देता है जिसमें उसका नक्षत्रेश बैठा होता है। बार बार यह शब्द हमने कहा है, बहुत से मित्र पूछते हैं कि गुरु जी हमारे लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा तो क्या फल होगा। मित्रों आज हम आपको बता देना चाहते हैं लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा है लेकिन लाभ वाले नक्षत्र जो लाभ में ग्रह बैठा उसके नक्षत्र में बैठा है। मान लीजिए लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा है यह तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर यह जिस नक्षत्र में बैठा है इसका नक्षत्र इस लाभ में बैठा है या लाभ में उसकी राशि है तो अच्छा फल देगा, शुभ देगा, धन देगा, लाभकारी स्थिति। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा, यह महत्वपूर्ण है कि लाभ का लाभ में बैठे हुए ग्रह का नक्षत्र अष्टम में न बैठा हुआ। अगर लग्नेश आपका एकादश में ही बैठा है लेकिन उसका नक्षत्र अष्टम में बैठा है तो आय की हानि होगी। इस तरह से आप अर्थ लगाओ, इसी तरह से तृतीय और बारह में कोई ग्रह बैठ करके या तीसरे और बारहवें में उसकी राशि हो वो दशानाथ हो और उसका नक्षत्रेश जो है चौथे और नौवें में बैठा हो या उस नक्षत्रेश की राशियां चौथे और नौवें में हो तो ऐसे दशा काल में जातक शिक्षा प्राप्त करके विदेश में सफलता पूर्वक घर वापस लौटता है। यह आप कंठस्थ कर लें, ध्यान में कर लें, यही सूत्र है विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का और सफलता पूर्वक शिक्षा। दूसरी चीज द्वादश स्थान का उपनक्षत्र स्वामी चतुर्थ स्थान का कार्य जरूर हो, द्वादश स्थान का उपनक्षत्र स्वामी तीन नौ बारह में से किसी भाव का कार्य जरूर हो ताकि विदेश गमन का भी हो। तो मित्रों टापी अब लंबा हो रहा है, फिर हम आज का टापिक यहीं बंद करते हैं, कल फिर एक नया टापिक लेके आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामना।